ब्रेक नंतर अर्थजागर मध्ये आपलं स्वागत. केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागले. उद्योजक आणि अर्थतज्ञांना या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. या हा अर्थसंकल्प सगळ्यांना सामावून घेणारा तसंच सर्व वर्गाला न्याय देणारा असावा असं मत अर्थतज्ञांनी व्यक्त केलं. सध्याची देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता ग्रामीण भागाला केंद्रस्थानी ठेवून सरकारनं विचार करावा. त्याचबरोबर व्यापारी वर्गासाठी GST कमी केला तर कदाचित अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास येत्या काळात मदत होईल असंही ते म्हणाले. त्या संदर्भात उद्योजक आणि अर्थतज्ञ अभिनव चोप्रा यांनी काय अपेक्षा व्यक्त केल्या ते पाहूयात. प्रगतिशील बजट होने की संभावना है. जिन हालात से जिन कंडीशन से इंडियन अर्थव्यवस्था अभी गुजर रही है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि यह बजट बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा और सब क्षेत्रों में ग्रोथ ओरिएंटेड बजट देने की उम्मीद है. अभी जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरत है वो निवेश की जरूरत है. दोनों तरह का निवेश हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. प्राइवेट निवेश और पब्लिक निवेश. प्राइवेट निवेश के लिए हम सोचते हैं कि जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है या तो उसका रेट जो भी 15% है उसको कम कर देंगे 10% ले आए 5% ले आए ताकि जो कॉरपोरेट जगत है उसके पास ज़्यादा पैसा आए और वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सके निवेश ज़्यादा कर सके. इसी तरह से सरकारी निवेश भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकारी निवेश अगर आएगा सरकार निवेश करेगी इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो चौतरफा ग्रोथ की संभावना है. दूसरा एक मुद्दा ये है कि हम लोगों की जो खपत है कंजम्पशन जिसको बोलते हैं कंजम्पशन बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाने के लिए सरकार को टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा और कम करने चाहिए. अगर जैसे हम पर्सनल इनकम टैक्स देखें या व्यक्तिगत इनकम टैक्स की बात करें तो उसमें हम लोगों को बहुत अच्छी संभावना नज़र आती है कि जो मैक्सिमम रेट है 30% या तो उसको कम कर दें या जो उसकी अभी जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको बोलते हैं 10 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% है 30% है वो लिमिट बढ़ा दें 25 लाख कर दें 30 लाख कर दें तो वो उसकी वजह से काफ़ी लोगों के पास पैसा आएगा पैसा रहेगा और वो कंजम्पशन में खपत में यूज़ कर सकते. अगर ये हम GST की बात करें टैक्स रेट GST रेट्स काफ़ी कम हुए हैं और फिर भी अगर एक साल के लिए GST रेट्स और कम कर दे सरकार तो जो उद्योग जगत है जो हमारा सर्विसेज जगत है उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा और वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि अगर टैक्स रेट कम रहेगा तो कॉरपोरेट्स के पास पैसा रहेगा और वो इन्वेस्टमेंट. पिछले बजट में ग्रोथ रेट जो ग्रॉस GDP जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो अच्छी थी 6.5% की थी अगर पिछले एक साल से वो घट के 5% रह गई तो उस वक्त भी सरकार ने काफ़ी टैक्स इंसेंटिव्स दिए थे बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात करी थी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या मेक इन इंडिया है या डिजिटल इंडिया है या स्किलिंग इंडिया है उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काफ़ी निवेश किया था. इस साल भी मेरे को लगता है कि इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए वो टैक्स इंसेंटिव देंगे साथ में इन्वेस्टमेंट भी जाना है. दूसरी एक मेरे को ये लगता है कि रूरल इनकम जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो उनकी इनकम्स हैं उनकी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की जैसे MSP जो है वो मार्केट रिलेटेड रेट्स से जोड़ दिया है. जैसा आप भी जानते होंगे कि MSP जो पहले सपोज जैसे 100 रुपये थी वो उन्होंने बढ़ा के 150 रुपये कर दिया तो उससे रूरल इनकम्स बढ़ेंगी. जहाँ रूरल इनकम्स बढ़ेंगी ग्रामीण क्षेत्र की इनकम्स आय बढ़ेगी तो उधर कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा खपत ज़्यादा बढ़ेगी. तो हमने अभी तक ये देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हमें ग्रोथ रेट लाना है
और प्रगति की तरफ और बढ़ना है तो रूरल एरियाज को ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनकी आय बढ़े और ज़्यादा खर्च कर सकें। तो रूरल एरियाज अगर अच्छे से खर्च करेंगे तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा, सब उसके बाद फिर FMCG सेक्टर बढ़ेगा रूरल एरियाज के लिए, तो चौतरफा ग्रोथ हो सकती है अगर हम रूरल एरियाज के लिए। अर्थजागर मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांती।